साथियों नमस्कार, मैं हूं हाथरस उत्तर प्रदेश से आपका मित्र योगेश गॉड एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल आपको वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि वाहनों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। लोग बहुत तेजी से और लापरवाही से वाहन चला रहे हैं और लापरवाही के कारण दिन प्रतिदिन एक्सीडेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाखों लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। रोज एक्सीडेंट की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत तेजी से व लापरवाही से वाहन चला रहे हैं। वहीं कुछ व्यक्ति सावधानी से वाहन चलाते हैं तो वहीं कुछ व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाते हैं, जिससे कि दूसरों को क्षतिकारित हो रही है। भारतीय न्याय संहिता में इस प्रकार वाहन चलाने को अपराध की श्रेणी में माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 इस प्रकार के अपराध के लिए प्रावधान करती है। धारा 281 बताती है कि जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा, जिससे मानव जीवन संकटपन हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपति या क्षतिकारित होना संभाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाता है या हांकता है, जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारित होना संभाव्य हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 के तहत 6 मास का कारावास या जुर्माना जो 1,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो मित्रों, यदि आप वाहन तेज चलाते हैं, आपके बच्चे या रिश्तेदार तेज वाहन चलाते हैं, तो उन्हें बताइए कि वह अब वाहन तेज न चलाएं। तो मित्रों, यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभप्रद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। योगेश कुमार गॉड एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।